बड़ी शेबानी इमाम मोहम्मद मोहम्मद बिन हसन शेबानी आप हजरत इमाम को रिफा रज़ियल्लाहु तआला के डायरेक्ट शागिर्द थे और हजरत अबू यूसुफ बिन याकूब ये भी हजरत इमाम को रिफा के शागिर्द थे। और जब भी फिका की आप किताबें पढ़ेंगे तो फिका की किताब के अंदर सैदैन का कौल आता है और तरफैन का कौल आता है। तो जब सैदैन का कौल आता है इसे मुराद हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम अबू यूसुफ होते हैं, और जब तरफैन का कौल आता है तो उस वक्त हजरत इमाम अबू यूसुफ और हजरत इमाम मोहम्मद मुराद होते हैं। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ ये भी शागिर्द हैं और हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी ये भी शागिर्द हैं। और हजरत इमाम यूसुफ ये शागिर्द कैसे हैं? एक दिन बालक भी बीमार है, गरीब घराना है, बड़े घर के ये हैं बेटे हैं, तो रिज़्क़ की तलाश में घर वालों की खिदमत बदारत के लिए हजरत इमाम अबू यूसुफ घर से निकलते हैं। तो रास्ते में हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला से मुलाकात होती है। हजरत इमाम अबू हनीफा देखते हैं कि बच्चा आ रहा है, नौजवान है, इसके माथे में इल्म का नूर है। पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, मजदूरी के लिए जा रहा हूं। मैंने मजदूरी रिज़्क़ की तलाश के लिए जा रहा हूं। कहा, मेरे पास काम करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, काम की तलाश में जा रहा हूं। आपने फरमाया, ऐसे कर, तुझे काम लगाता हूं, तेरे घर वालों के लिए मैं मजदूरी करता है, उसके पैसे मैं अदा करूंगा। आपने पूछा, क्या काम करना है? आपने फरमाया, तू पढ़ा कर, दीन का इल्म हासिल कर, और इसके बदले में तुम्हारे घर वालों की खिदमत अबू हनीफा किया करेगा। आपने कहा, ऐसे अच्छी कौन सी बात है? मेरा वैसे भी जोर है मैं इल्म हासिल करूं, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पा रहा। आपने फरमाया, तू इल्म हासिल कर, तेरे घर वालों को माल पहुंचाना अबू हनीफा का काम है। आपने शुरू कर दिया इल्म हासिल करना। और फिर दूसरे तरफ हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी भी अमीरजादे हैं, वालिद का अच्छा कारोबार है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आए कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं। जिस वक्त हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी हजरत इमाम अबू हनीफा की बारगाह में आए, उस वक्त दाढ़ी और मूंछ का भी तसव्वुर भी नहीं था, बिल्कुल नौहेज उम्र है, दाढ़ी अभी फूट रही है। हजरत इमाम हसन बिन शेबानी हजरत इमाम अबू हनीफा की बारगाह में आते हैं, कहते हैं कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं। और इंतहाई खूबसूरत चेहरा है, नूरानी चेहरा है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने अल्लाह तआला ने फरमाया, हां तुझे इल्म दूंगा, अपनी शिगिर्दी में तुझे शामिल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि जब तक तेरी दाढ़ी नहीं आती तू पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ा कर। देखिए हमारे आइमा का कितना तकवा अपने दाढ़ी। वो हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ा कर, तुझे पढ़ाऊंगा पर्दे के पीछे, जब तेरी दाढ़ी फूट आएगी, दाढ़ी निकल आएगी, उस वक्त तू सामने आकर बैठ जा और फिर तुझे पढ़ाऊंगा। हमने कहा ठीक है, पढ़ते रहे। अब यहां एक बात और करता हूं, इससे रिलेटेड है। हजरत सुफयान सौदी रज़ियल्लाहु तआला उस दौर के बहुत बड़े सूफी और बहुत बड़े मुहद्दिस उलमा, उनसे सवाल किया गया कि अगर आपको मजलिस इख्तियार करनी पड़े, किसी बारगाह में बैठना पड़े, तो इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में बैठोगे या हजरत इमाम मोहम्मद की बारगाह में बैठोगे? किसके पास बैठोगे? किसके नाम में बैठोगे? किसकी मजलिस में, किसकी सोबत में बैठोगे? तो हजरत सुफयान सौदी रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे कि अगर मुझे सोबत में बैठना पड़े तो मैं इमाम मोहम्मद बिन हसन अल-शेबानी की मजलिस में बैठूंगा। आपने पूछा सवाल करने वालों ने कि आप इनको क्यों चूज कर रहे हैं, इनकी मजलिस में बैठना क्यों पसंद कर रहे हैं? तो हजरत सुफयान सौदी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इन दोनों के अंदर फर्क है, एक इमाम अबू यूसुफ है और एक इमाम मोहम्मद है। अबू यूसुफ ये दीन हासिल करता रहा है पैसे लेकर, पैसे लेकर के दीन की तबलीग करता रहा है, ये दीन हासिल करता रहा है पैसे लेकर,
जो हजरत इमाम खलीफा के शागिर्द हैं। और कैसे शागिर्द हैं? आप सीरत के अंदर लिखा है कि जब आप पढ़कर फारिग हुए तो एक दिन आप अपने साथियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बसरा के बाजार के अंदर जाने का इरादा किया आपने। किसने? हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने इरादा किया कि बसरे के बाजार के अंदर जाना है। और बाजार के अंदर आप देखते हैं मुख्तलिफ लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, हर नुक्ता नजर के मकबा फिक्र के लोग हैं। तो बसरे के बाजार के अंदर यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, बुत परस्त भी हैं, आप परस्त भी हैं, और मुसलमान अक्सर उनको इस्लाम की दावत देते रहते थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। और वो बात करते, मुनाजरा करते, मुजाजरा करते वो ईसाई यहूदी नसरानी को मुसलमानों से मुबादला करते रहते, मुबादला करते रहते, अक्सर उनकी आपस में बात करती रहती। जब हजरत इमाम हसन बिन शैबानी रज़ी अल्लाहु ताला को अपने शागिर्दों के साथ बाजार की तरफ निकलते हैं, सर पर सफेद इमामे हैं, काली सियाह खूबसूरत दाढ़ियां हैं, जिसको पर सफेद लिबास है, कुरान और सुन्नत का नूर चेहरों से टपक रहा है। वो जमात जब बाजार के अंदर दाखिल होती है तो बाजार के अंदर शोर मच जाता है कि मुसलमानों का इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी आ रहा है। सारे लोग अपनी दुकानों से बाहर निकलकर रास्ते में खड़े हो जाते हैं, मुसलमान उनकी आवाज पर खुश होते हैं, चेहरों पर रौनक आ जाती है। और उन मुसलमानों के साथ साथ वो यहूदी, वो ईसाई, वो बुतपरस्त, वो आग की पूजा करने वाले वो भी बाहर निकलते देखते हैं मुसलमानों का इमाम है, क्या है, कौन है। लेकिन वो भी बाहर निकलते हैं, जो जो यहूदी की नजर हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन के चेहरे पर पड़ती है, वो चेहरे पर नजर पड़ते ही कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। जब कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, यहूदी कलमा पढ़ रहा है, ईसाई कलमा पढ़ रहा है, आपकी प्रस्तर करने वाला कलमा पढ़ रहा है, तो मुसलमानों ने कहा हम आपको दावत दे रहे थे कि मुसलमान जो तुम हमारी बात नहीं सुनते थे, आज हमारे एक इमाम आए हैं, उनको देखकर तुमने कलमा पढ़ लिया है। कहने लगे बात यह है कि जब हमने देखा है उसकी शान को देखा, उसकी शौकत को देखा,